हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत सिंह बीएल ऑनलाइन क्लासेज में आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का जो कल टॉपिक चल रहा था, अपने टॉपिक का नाम था इनविटेशन एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग, इनविटेशन को एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग रिप्लाई देने का। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्विटेशन की रिप्लाई के ऊपर। कल हमने क्या किया था, उसमें था कि इन्विटेशन को एक्सेप्ट कैसे करना है, डिक्लाइन कैसे करना है, इन्विटेशन के टाइप, उसके रिप्लाई वो बताया था। तो कल ध्यान रहे अपने क्या किया था कि हमें मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल जो दिल्ली के थे, उन्होंने अपने पुत्र अमन के बर्थडे पे इनवाइट किया था, हमने वो एक्सेप्ट किया था। तो आज हम, हमारे सामने क्या क्वेश्चन आया है, अब हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल दिल्ली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन ऑन 14 सितंबर 2012 एट 8:30 PM। अब इसमें देखिए कि आपको एक इन्विटेशन लेटर प्राप्त हुआ है, कहाँ से, मिस्टर मिसेज और मिस्टर एलपी गोयल दिल्ली से अटेंड करनी है उनके बर्थ, जो सन है अमन, उसकी बर्थडे पार्टी। टाइम तारीख बताई हुई है, कल भी यही था, आज भी यही है, सेम ही। लेकिन उसमें डिफरेंस कहाँ पे आया, राइट, फॉर्मल रिप्लाई, कल भी फॉर्मल थी, लेकिन एक ही वर्ड का डिफरेंस आया है। कल यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक्सेप्टिंग, और आज यहाँ पे क्या है, डिक्लाइनिंग। ध्यान रहे कई बार डिक्लाइनिंग ना देखे कि यू आर नॉट एबल टू अटेंड इट, या फिर ऐसा यू आर अनेबल, या फॉर्मल योर अनेबिलिटी, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, कुछ भी इसमें अनेबिलिटी, नॉट अवेलेबल, या ऐसा कुछ भी दिखा सकते हैं जिसे अपने लगे कि हम ज्वाइन इसको नहीं कर सकते, अटेंड नहीं कर सकते, वो चीज़ें तो हम पता चलते हैं डिक्लाइनिंग है। तो डिक्लाइनिंग है, तो हम इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, मिसेस एंड मिस्टर, कोई भी नाम दे दूँ, आर के गोयल, गोयल तो वही थे के ऊपर गोयल थे, अपने कुछ और कहते, आर के शर्मा, थैंक मिसेस एंड मिस्टर एलपी गोयल फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब सेम हो जाएगा कि देखो, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन, देखना बिल्कुल सेम लिखूंगा मैं, द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन, आगे कंप्लीट टाइमिंग तक, ऑन 14 सितंबर 2020 at 8:30 PM। अब इतना करके फिर, बट लेकिन पहले तो था ना, दे हैव ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन, ऐसा कुछ किया था कल अपने, आज हम कह रहे हैं बट रिग्रेट, उनको पछतावा है इस बात का, रिग्रेट बींग होना, अनेबल टू अटेंड, अटेंड को दोबारा लिखूं, जगह कम थी, अटेंड ड्यू टू बींग बिजी इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। अब इसमें देखो रीज़न दिखाना होता है डिक्लाइन करने का, मना करने का, देखिए इसमें बट रिग्रेट, लेकिन पछतावा है उनको, बींग अनेबल टू अटेंड, मतलब उसको अटेंड नहीं कर सकते, उसके लिए अयोग्य हैं, अनेबल हैं, क्यों कि ड्यू टू बींग बिजी इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में क्या है, बिजी हैं। अब ड्यू का अर्थ क्या था, कारण दिखाने के लिए। तो अब इसमें देखिए लास्ट में क्या करना था, धन्यवाद तो दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि अपने मना कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने पोलाइटली एक बार और थैंक यू करना होगा उनका, सिंसियर थैंक्स फॉर इनविटेशन एंड बेस्ट
विशेस टू, और बर्थडे जिसका उसका को क्या करोगे, किसकी मैरिज है, बर्थडे कुछ भी है तो उसको क्या करोगे, बेस्ट विशेज जरूर दोगे। ओके, इतना ही काम था। और इसको क्या करो, बॉक्स में बंद करना मत भूलना। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ दोबारा। अब देखो सेम ही चीज़ है, सबसे पहले तो धन्यवाद तो करना ही करना है, ये तो लाइन कंप्लीट ही आएगी। अपनी तरफ से एक नाम देना है, मतलब सामने इनवाइट करने वाला किसी बंदे को इनवाइट कर रहा है, कुछ इसमें कुछ नहीं बताया, तो आपने रिसीव किया है, मतलब आपने पत्र प्राप्त किया है, किससे किया है, मैसेजर मिस्टर एलपी गोयल से। तो आप मतलब मैं आई नहीं लिख सकते इस पर, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ओनली इनफॉर्मली में लिखा है, तो ये फॉर्मल है, तो थर्ड पर्सन में चलेंगे, किसी का नाम देना होगा, तो अपनी जगह हम नाम किसका दे रहे हैं, खुद को आर के शर्मा माना, मैसेजर मिस्टर आर के शर्मा। फिर धन्यवाद करते हैं, अगर यहाँ पे एक ही बंदा होता तो हम थैंक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे एक दो सब्जेक्ट आ गए, तो नाउन दो आ गए, तो हम वर्ब क्या है, थैंक करेंगे, थैंक्स ना करके, थैंक मिसेज एंड मिस्टर एलपी गोयल, जिसने अपने को बुलाया है उसका थैंक्स करेंगे, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। कंप्लीट हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक अपने कंप्लीट रखेंगे टाइमिंग तक, किसको टाइमिंग प्लेस वगैरह जो भी आए। फिर देखो अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दे हैव ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ऐसे किया था कल, लेकिन आज हम क्या करेंगे, डिक्लाइनिंग कर रहे हैं, तो बट रिग्रेट, लेकिन उनको पछतावा है इस चीज़ का, बींग अनेबल टू अटेंड, मतलब उसको अटेंड नहीं कर पा रहे, क्यों, फिर कारण बताया, ड्यू टू बींग बिजी इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। फिर देखो सिंसियर थैंक्स फॉर इन्विटेशन, कि इन्विटेशन के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, एंड बेस्ट विशेज टू अमन, और उसको लड़के को क्या करोगे आप, बेस्ट विशेज दोगे। तो ये रहा डिक्लाइनिंग का तरीका, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो, और भी बहुत प्रकार के दिए गए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं सी नेक्स्ट इन्विटेशन रिप्लाई के साथ।